हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में पोस्ट की संख्या टोटल 5000 है। ये सारी पोस्ट अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किए गए हैं। आप सभी को पता है कि IBPS के जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं वो जून 2023 के बाद से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खाली समय में आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका निकल कर आया है, खास तौर पर उन कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन इस बार किसी भी एग्जाम में नहीं हो पाया। तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस नए रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। इसके अलावा इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं अलग स्टेट्स में, कैसा क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और कैसे आप सभी का कंप्लीट सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.in पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना, या फिर आप आना गूगल में और यहां आकर सर्च कर लेना examgurujob.in। इसके बाद नीचे आओगे तो लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको दिख जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगा। आप नीचे चले आना और यहां पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और यहीं से अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नोटिफिकेशन ओपन करके हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें दी गई है। तो सबसे पहले देखो, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज ही से आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2023। दोस्तों, आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो रखा गया है अप्रैल के सेकेंड वीक में और टोटल यहाँ पर 5000 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप स्टेट वाइज देख सकते हो वैकेंसी कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे गुजरात में अलग अलग रीजन है और इन रीजन में कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी दी गई है। फिर इसी तरह से आप नीचे वाले स्टेट्स भी देख सकते हो। खास तौर पर दोस्तों, जो कैंडिडेट बिहार रीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए SBI क्लर्क में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, 2 साल से बिल्कुल 0 वैकेंसी जा रही थी और IBPS क्लर्क में भी आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बिहार में टोटल पोस्ट की बात करें तो एक सेकेंड, ये देखो बिहार में आप देख सकते हो कि अलग अलग रीजन को मिलाकर टोटल कितने वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल 526 सीट्स यहाँ पर निकाले गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगेगी। तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है वो 31 मार्च 2023 के अनुसार होने चाहिए और इस डेट के अनुसार से दोस्तों आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स का होना चाहिए। हालाँकि SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो और कितने भी उसमें परसेंटेज आपके मार्क्स आए हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अप्लाई करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं कर रखा हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगी। फिर इसके बाद दोस्तों, आपकी जो ट्रेनिंग आवर है वो आपकी जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं ना, उन्हीं के जैसा ट्रेनिंग आवर यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सिलेक्शन 2 फेज में होने वाले हैं। एक है रिटन टेस्ट एंड सेकेंड है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 5 पार्ट्स होंगे। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड। फिर सेकेंड है बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तीसरा है बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। चौथा है बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में और पांचवा है बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है बाकी बैंकिंग एग्जाम से। हालांकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश 3 सेक्शन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम में बैठेंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में दोस्तों आपके टोटल वैकेंसीज के 4 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, यानी कि 5000 वैकेंसी है तो टोटल 20,000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो मेरिट है वो इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम दोनों के बेसिस पे बनने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप सभी को लोकल लैंग्वेज प्रूफ देना होगा, यानी कि आपका जो भी है 8th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का या फिर ग्रेजुएशन का, उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करने जा रहे हो। इसके अलावा आपकी रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेगी जैसे आपके अभी तक एग्जाम्स में होते रहे हैं। इसके अलावा आपकी वेट लिस्ट भी निकाली जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर, यानी कि दोस्तों जो कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके जगह पर फिर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से कॉल किया जाएगा। जो आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है दोस्तों वो 1 साल का रहने वाला है। इसके अलावा कंप्लीट डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। स्टिपेंड की मैं बात करूँ तो जो रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेज होंगे
वहाँ पर आपको 10,000 का स्टिपेंड और अलाउंस 225 रुपये का मिलेगा। अर्बन ब्रांचेज में 12,000 का स्टिपेंड और 300 का अलाउंस मिलेगा और मेट्रो ब्रांचेज में 15,000 का स्टिपेंड और 350 का अलाउंस मिलने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर अलाउंस हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में जब आप जाओगे तो स्लीपर क्लास में आपको कुछ छूट वगैरह मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे एससी एंड एसटी कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, जो ओबीसी हैं नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो 1984 का राइट्स के पीरियड हैं उनको 5 साल का, और बाकी यहाँ पर विडोज डाइवर्स वुमेन वगैरह हैं उनको यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन दिए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा तो पोस्टिंग कैसे मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाली है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है और उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिलेगा। फॉर्म फी की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 400 प्लस जीएसटी लगने वाला है। एससी एसटी एंड जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये और जीएसटी लगेगा, और बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड हों, ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी कैंडिडेट हों, उन्हें 800 रुपये और जीएसटी यहाँ पर पे करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने रीजन्स हैं। जैसे देखो, किसी एक रीजन का मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो आप यहाँ पर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो तो बिहार में एक आ गया गया डिस्ट्रिक्ट। अब गया डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा और रोहतास। तो इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी आपके सिलेक्शन के बाद। फिर इसके बाद जो पटना से बिलोंग करेंगे तो पटना में अरवल, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और पटना का मेन टाउन आ जाता है। तो ये था दोस्तों आपकी कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्यूरीज हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दिया। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है examguru.in पर। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन पर, तो आप आ जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज पर, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सभी लोग यहाँ से अपना फॉर्म को फिल कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए ऊपर में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा, क्लिक करोगे तो नीचे आपकी जो भी वैकेंसी निकली गई है वो सारी वैकेंसी यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको यहाँ से फिल करके अपना प्रिंटआउट निकाल लेना ड्राफ्ट का, और प्रिंटआउट निकालने के बाद दोस्तों आपकी लगभग जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो उसी प्रिंटआउट के थ्रू आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे। तो ये था दोस्तों आपकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह के दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।